कार एक्सीडेंट्स, रोड रेज, हिट एंड रन केसेस, ये सब तो आप आए दिन सुनते आ रहे हैं। इन सब में जो इंसान, जिन इंसान की मौत हो जाती है या फिर जिन इंसान को इतनी ज्यादा इंजरी पहुंचती है कि वो चलने फिरने के लायक नहीं रहते, उनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। हमारे सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम थोड़ी देर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खड़े भी होते हैं, अफसोस भी मनाते हैं, लेकिन उसके बाद उस इंसान के साथ जो वहां पर मर रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसी सब के चलते इंडिया में इतने ज्यादा ऐसे केसेस हैं कि अगर हम बायस्टैंडर, एज अ बायस्टैंडर उनकी हेल्प कर देते, अगर हम अपना कदम बढ़ा देते और उन्हें ऐसी जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाते, तो शायद वो बच जाते। हाफ रोड एक्सीडेंट केसेस ऐसे हैं जहां पर जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, खून इतना बहा कि उनकी जान मौके पर ही चली गई। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम बात करेंगे कि अगर आप किसी को प्रोटेक्ट भी करते हो, अगर आप किसी को बचाते हो, तो आपका भी उसमें भला हो रहा है। देखिए, हम कई बार हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश, एक इंसान ना बहुत सेल्फिश इंसान है, वो तब तक वो काम नहीं करता जब तक उसको आउटपुट कुछ ना मिले, कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करूं जब तक मुझे आउटपुट ही नहीं मिल रहा। और वो काम तो कभी भी नहीं करता जिसमें उसको लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो कहीं ना किसी तरीके से फंस जाऊंगा। जैसे हमें ऐसा लगता है कि अगर हम खड़े हुए हैं, अगर हमने किसी की हेल्प कर दी, ऐसे जो जो इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें भी फिर पुलिस के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम तो इस लफड़े से दूर ही रहते हैं। ये नॉर्मली हम लोगों का क्या है, एक थिंकिंग बन चुकी है। अब हम कुछ इससे बात करते हैं, कुछ उन केसेस के बारे में बात करते हैं जिनकी जान बच सकती थी अगर जो आसपास के लोग खड़े हुए, कोई भी उनमें से एक उनका मदद कर देता। अभी हाल ही में फिल्म मेकर पीयूष पाल, जिनकी सिर्फ उम्र 30 साल है, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 30 मिनट तक वो कहराते रहे, वो हेल्प मांगते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने उसको उनको हेल्प नहीं की, और एंड में उनके ब्रदर वगैरह आए तो वो लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी जान चली गई। ऐसे ही बहुत लोग हैं। एक और इंसान जो अपनी बीवी को अपने ससुराल लेकर जा रहा था, पीछे से ट्रक ने आके उनको क्या कर दिया, ठोकर मार दी। ट्रक तो भाग गया, लेकिन वो बाइक से नीचे गिर गए। उनकी बीवी, वो खुद और उनकी 6 साल की बच्ची सारे जख्मी हालत में थे। अब वो इंसान बार बार 30 मिनट तक 40 मिनट तक कहराता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने उसकी मदद की। और इसी बीच में उसकी 6 साल की बच्ची और उसकी बीवी की मौत हो गई। अब बात करें एक और, उज्जैन, ये जो केस हुआ था, लड़की का रेप हुआ, लड़की इतने किलोमीटर तक सेमी नेकड बस चलती रही, घुराती रही, हेल्प मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी इंसान उसकी हेल्प करने नहीं आया। एंड में एक पंडित जी थे, वो आए। इतने किलोमीटर चलने के बाद देर वॉज वन गर्ल, वो ब्यूटिशियन थी अंजलि सिंह, उनकी क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो स्कूटी में जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, उनको भी कार ने टक्कर मारा, कार भाग गई, वो नीचे उतर गए, वो नीचे गिर गए। अब जो अंजलि थी वो उसी कार के व्हील में फंसी, और वो इतने किलोमीटर तक वो कार आगे जाती रही, और वो लड़की जो मर रही थी, उसके सारा जो भी बॉडी थी, कपड़े सब छील गए, और जिस तरह से वो कार चली जा रही थी, उनकी बॉडी भी उनके साथ चली जा रही थी। तो जो इवन उनकी फ्रेंड थी, वो भी डर की हालत में ना पुलिस को कॉल कर पाई, ना एम्बुलेंस को कॉल कर पाई। बाद में जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको ये डर था कि कहीं मुझे पर ही क्वेश्चंस ना आने लग जाते, बिकॉज वी वर इंटॉक्सिकेटेड, हम शराब की हालत में थे, तो मुझे लगा मुझ पर ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस इस चक्कर में उन्होंने कॉल नहीं किया, और उनकी जो फ्रेंड थी वो अपनी जान खो बैठी। सिर्फ एक अर्निंग मेंबर थी वो अपनी पूरी फैमिली की। तो ये सारे केसेस जो हैं, ये बयां करते हैं कि अगर हम थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अपनी दिखा दें, अगर इंसान जो सिर्फ एक खड़ा ना होकर, सेल्फीज ना खींचकर, वीडियोस ना बनाकर उस इंसान की मदद करे जो उसके सामने मर रहा है, तो शायद वो इंसान बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इतने सेल्फिश हैं, अगर हम इतने सेल्फिश हैं कि हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, तो वो भी 2016 की जजमेंट में आ रखा है। मार्च 30 को 2016 में जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स ऑफ लॉ दे दिया। जो गाइडलाइंस हमारी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू, उनको फोर्स ऑफ लॉ दे दिया। और वो गाइडलाइंस क्या थी कि जो भी ऐसे लोग होंगे जो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे विक्टिम्स को, उनको बिल्कुल भी पुलिस हरास नहीं करेगी, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताना चाहते, तो उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पूछी जाएगी।
तो ये जो जिम्मा था वो उठाया था सेव लाइफ फाउंडेशन ने 2012 में, उन्होंने PILs फाइल की थी। अगर आपको याद होगा एक शो आता था आमिर खान का सत्यमेव जयते करके, उसमें भी एक एपिसोड आया था सेव लाइफ फाउंडेशन वालों ने, उसमें भी ये सब चीजें जो थी बताई थी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2016 में। बात करूं कि ये जो गुड समैरिटन लॉ एक तरह से ये बना, अब गुड समैरिटन लॉ जो है वो क्या है और एक गुड समैरिटन क्या है? एक गुड समैरिटन मतलब कि एक ऐसा इंसान जो विदाउट एनी केयर कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, या फिर जो इंसान मर रहा है वो उसको जानता भी नहीं है, तब भी वो उसको मदद करे, ड्यू केयर करे, हॉस्पिटल लेकर जाए, अगर उसे कुछ मदद करनी आती है तो वो सब करे, तो वो एक क्या कहलाता है? गुड समैरिटन कहलाता है। एक अच्छा इंसान तो है ही अब, राइट? तो ये उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन भी दी गई है। अब किस तरह से, अभी जो एनुअल डेथ की बात करें तो करंट एनुअल डेथ टोल ऑन इंडिया रोड्स इज ओवर 1,40,000। 1,40,000 मौत तो रोड पे हो रही है, ठीक है? और वो कैसे बची जा सकती है? ओवर 70,000 लाइव्स कैन बी पोटेंशियली सेव्ड इफ बायस्टैंडर्स कम फॉरवर्ड टू हेल्प। अगर जो बायस्टैंडर है वो हेल्प करने आ जाए तो 70,000 लोगों की तो जान ऐसे ही बच जाएगी, मतलब आधा मामला है सीधे पूरा बच जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या गाइडलाइंस थ्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने निकाली एनी पर्सन। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन की। मैंने बोला ना कि हम लोग क्या लोग हैं, हम लोग ऐसे हैं कि जब तक हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलता, जब तक हमें कुछ कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तब तक तो हम अच्छा काम करेंगे ही नहीं, राइट? तो अगर अच्छा काम, सरकार कह रही है कि अच्छा काम करो भाई, हम तुमको रिवॉर्ड भी दे देंगे। और कितना रिवॉर्ड है कि अगर कोई भी इंसान ऐसे इंसान की जान बचाता है जो मर रहे होते हैं और गोल्डन आर में उनकी जान बचाता है तो उनको 5,000 का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब ये गोल्डन आर क्या होता है बेटा? गोल्डन आर का मतलब होता है कि 60 मिनट तक का टाइम, मतलब आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ उसका ड्यूरेशन 60 मिनट तक जो भी चलता है, उस टाइम कितना ब्लड बह रहा होता है, कितना ज्यादा उनको इंजरीज आई होती हैं, उस 60 मिनट के अंदर अंदर अगर आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसको कहा जाता है गोल्डन आर और आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ एन इंडिविजुअल गुड समैरिटन कैन बी अवार्डेड मैक्सिमम 5 times, एक साल में 5 बार, ये 5,000 एक साल में 5 बार दिए जाएंगे जिस अगर उस इंसान ने 5 लोगों की जान बचाई है, उसके बाद रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, वो तो आपकी क्योंकि ड्यूटी भी बनती है, ठीक है? गोल्डन आर के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिलेगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, लो आउटपुट मांग रहे हो तो आपको आउटपुट भी दिया जाएगा। और इवन हर एक साल में 10 नेशनल अवार्ड्स निकाले जाएंगे गुड समैरिटियंस के लिए, और उनमें से अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। 10 नेशनल अवार्ड जीतने वाले को सिर्फ आपने जान बचाई है, मतलब वो तो एक मॉरली हमारा ड्यूटी बनती है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा अगर आप किसमें आ जाते हो, नेशनल अवार्ड विनर्स में उसमें आ जाते हो। अब बात रही, ये तो ठीक है मैम, ये तो आपने रिवॉर्ड्स वगैरह की बात कर दी, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें उस झंझट में नहीं फंसना कि अगर थी मान लीजिए हमने किसी की हेल्प कर दी और उसके बाद में पुलिस हमें बार बार बुला रही है कि तुमने कैसे देखा, कब मौत हुई, क्या तुम तो आई विटनेस हो, तुम यहां पर पुलिस स्टेशन आओ, तुम उस हॉस्पिटल में जाओ, हमारे घर में पुलिस आ गई। और देखिए कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमारे घर में पुलिस आ जाती है तो लोग क्या सोचेंगे। तो इन सब बातों की वजह से भी हम क्या करते हैं, हेल्प नहीं करते, वी डोंट वांट एनी मनी और समथिंग एल्स, बट ये जो इतनी चीजें जो आ जाती हैं उस एक हेल्प की वजह से, वी डोंट वांट दैट। तो उसके लिए भी एक अ गुड समैरिटन इज प्रोटेक्टेड, एंड हाउ ही और शी इज प्रोटेक्टेड, विल नॉट बी लायबल फॉर एनी, आप किसी भी कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन या फिर कोई भी इंजरी वगैरह होती है उसके लिए पहले तो आप लोग लायबल हो ही नहीं, ठीक है? जो भी हेल्प करता है ही और शी इज नॉट लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन। गुड समैरिटन जब इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को तो ये पुलिस कभी भी उनको फोर्स नहीं करेगी कि अपना नाम बताओ, पुलिस उनको फोर्स नहीं कर सकती कि अपनी पर्सनल डिटेल्स बताइए, अपने घर का एड्रेस बताइए, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इफ यू वांट कि हमारी पर्सनल डिटेल्स सब कुछ छुपा रहे तो वही होगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। और कोई भी अगर पुलिस वगैरह आपको फोर्स करती है उस चीज के लिए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? अब अगर मान लीजिए आप खुद से बनना चाहते हैं आई विटनेस कि हाँ मैंने देखा कि किसी ने किसी को चाकू मारते हुए भाग गए वो, या फिर इस तरह से इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई और गाड़ी भाग गई जल्दी से, आप खुद चाहते हो आई विटनेस बनना तो आप बन सकते हो, लेकिन आपको कोई कंपेल नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए आप आई विटनेस बनने के लिए रेडी हो गए, तब तो देखिए एग्जामिनेशन के लिए तो आना पड़ता है,
लेकिन वो टाइम भी आप डिसाइड करेंगे। अगर पुलिस आपको बुला रही है कि आप स्टेशन पे आइए, तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस दिन इस समय में आना है। पुलिस आपको डिसाइड नहीं करेगी कि इस टाइम आ जाओ। और अगर पुलिस बाई चांस आपके घर आ रही है, तो पुलिस अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं आएगी आपके घर। तो ये जो सोसाइटी का डर है ना कि पुलिस अगर हमारे घर आती है, वो एक वर्दी ही अलग होती है, राइट? तो वो भी डर खत्म कि भैया वो प्लेन कपड़ों में आएगी, वो पुलिस वाली वर्दी में नहीं आएगी आपके घर, अगर पूछताछ भी करनी होगी तो। और अगर आप चाहते हैं कि ना मुझे जाना है, ना मेरे घर पे कोई आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मेरे स्टेटमेंट ले लो, तो वो भी आपके पास यहां पर हल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही आपकी स्टेटमेंट ले ली जाएगी और आपको उसके बाद कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इफ यू डोंट वॉन्ट दैट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन है। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि लॉस के बारे में पता ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है, बस खड़े होके बुत बन के हम लोग वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं करते जो वहां पर मर रहा है इंसान। अगर एक बार आप जाके वो सत्यमेव जयते वाली भी आप देख लोगे ना वीडियो, उसमें भी आप रो दोगे शायद, किस तरह से वो इंसान अपनी 6 साल की बच्ची और अपनी पत्नी को लेके बैठा हुआ है, उससे उठा तक नहीं जा रहा क्योंकि वो इतना जख्मी है और लोगों ने उसके आसपास से इतने लोग गुजर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं, एंड दे आर ऑल आर इग्नोरिंग हिम। कोई फोन पे बात करते हुए भाग गया वहां से, गाड़ियां ऐसे कैसे जा रही हैं, और इतने टाइम बाद उनकी बच्ची देखना, पहले ना चल रही थी लेकिन कुछ देर बाद बच्ची की भी डेथ हो जाती है। तो ये सब कुछ है, लॉ बना है, प्लीज अवेयर रहिए, ये लॉज आपको पता होने चाहिए, इन सब के लिए अवेयर रहना चाहिए। और यही इसी तरह से हम आगे पढ़ाते रहेंगे। आप बच्चा लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लैट के लिए हमारा 2025 का फाउंडेशन बैच आ गया है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। आपको कोड यूज करना पड़ेगा पूरी 80 इज द कोड, जिससे आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। साइट में जाके देखोगे तो वो आई थिंक 72% या 70% डिस्काउंट है। अगर आप पूरी 80 यूज करते हो तो 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फाउंडेशन बैच के लिए। आप महापैक भी ले सकते हो, उसमें हमारे सारे क्लैट एमसेट सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी उसमें करवाई जा रही है। ये सब उस बैच के फीचर्स है। साथ ही साथ एक और बैच का फीचर कि आपको एक तो प्रिंटेड बुक मिलेगी, आपके घर तक पहुंचेगी, साथ में आपको ऑफलाइन मॉक्स आएंगे जो आपके घर तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है इस बैच का। आपने हम बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लैट को फोड़ देंगे इस बार, ठीक है? तो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो मेरा ईमेल आईडी भी ये रहा shikha.puri@24/7.com। और आज का सेशन बच्चे यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। प्लीज जागरूक रहिए, और ये जो ऐसे लॉज होते हैं जिसमें किसी की हेल्प हो सकती है, जिसमें किसी की जान बच सकती है, कम से कम उनके लिए अवेयर रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम इसी तरह के लॉज जो है हम और भी जानना चाहते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्लीज ध्यान रखिए।